दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा शिवाय का ट्रेलर। देखिए, अजय देवगन ने जो अब तक फिल्में डायरेक्ट की हैं वो कोई भी नहीं चली। वो बहुत स्लो फिल्म बनाते हैं। ट्रेलर में जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अजय ने इस फिल्म को बहुत ही बड़े लेवल पे शूट किया है। जो सीन है वो बहुत बड़े बड़े हैं, जो कैमरा वर्क है वो बहुत ही कमाल का है। ये फिल्म हिंदी फिल्म तो लगती ही नहीं है, ये फिल्म ऐसी लगती है जैसे कोई हॉलीवुड फिल्म हो। अब सवाल यह है कि इतने गजब के एक्शन में और इतने बड़े बड़े सीन के होने के बावजूद क्या अजय देवगन साहब उस इमोशन को, उस कहानी को फिल्म में रख पाए हैं? अगर उन्होंने इस फिल्म को एक एवरेज फिल्म भी बनाया होगा तो मुझे लगता है ये फिल्म ज़रूर चलेगी, क्योंकि इसका जो एक रोमांटिक गाना आया है वो भी मुझे पसंद आया। तो मुझे लगता है ये फिल्म 150 करोड़ का बिजनेस ज़रूर करेगी, और अगर फिल्म ख़राब हुई तो फिर ये फिल्म 90 से 100 करोड़ का बिजनेस करेगी, क्योंकि दो फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं तो इस फिल्म को 2500 से ज़्यादा थिएटर नहीं मिल सकते।